से जाएंगे या बोटल इसका वेट करेंगे या उसी से चलते हैं? कोई भी बस से, तो फिर कोई भी बस से चले जाएंगे हम लोग अभी, तो बस हम लोग का बस पहुंचना है अभी। तो चलो दोस्तों हम लोग के साथ इंडिया शोरूम का पे हम लोग को जरा दिखा देना, ओके प्लीज। नाउ वी आर हियर, थैंक यू भैया आने के लिए। उसके बाद यहाँ पे भैया यहाँ पे हैंडल देखने चलते हैं, आपके बाइक में लगाने वाले। मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द बॉक्सर एड के इस नए वीडियो में। तो फिर आज मैं वैसे दादाजी के साथ एक जगह पे जाने वाला हूँ, तो फिर दादाजी के लिए कुछ सामान ढूंढने के लिए है ना दोस्तों, तो फिर बने रहिए ना वीडियो में धीरे धीरे। तो आप लोग इस साइड में देख सकते हो कितने छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ना, अच्छे अच्छे दिख रहे हैं ना। तो फिर यह हम लोग का मंदिर, हम लोग के घर का, तो प्रणाम करके जाते हैं ना। तो फिर पापा मेरे को अभी दादाजी के घर पर छोड़ के आएंगे। दादाजी का घर साइड में, यहाँ से हम लोग के रास्ते से इस साइड में जाना पड़ता है, तो फिर धीरे धीरे दिखाते रहूँगा, ओके। तो दादाजी के घर पर पहुँच चुके हैं दोस्तों, तो फिर यहाँ पर दादाजी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पे हम लोग की जेठी जी खाना खा रही है। हेलो टोमी, टोमी टोमी, दादाजी का टोमी है ये। क्या हाल चाल है टोमी तुम्हारा? नो 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 नो, टोमी को खेलना है शायद से मेरे साथ। दादाजी अभी अंदर में तैयार हो रहे हैं, तो फिर निकलते हैं हम लोग, चलते हैं ना दोस्तों। तो हमारे दादाजी आज यहाँ पे रेडी हैं। दादाजी आज आपको हम घूमने जाने के लिए है ना, कहाँ पे घूमने जाएंगे आज हम लोग दादाजी? गाड़ी लेने के लिए, दादाजी का सवारी लेने के लिए जाएंगे आज हम लोग दोस्तों। बोएगा में उसके बाद देखते हैं आज दादाजी को उनका सवारी ढूंढ के मिलता है कि नहीं मिलता है। तब तक के लिए बने रही है ना वीडियोस। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इधर भी गाड़ी नहीं है, तो फिर हम लोग को सालबाड़ी तक जाने के लिए। वैसे दादाजी किसी को यहाँ पे अभी अभी बाइक से रोक के, वो उनके साथ रुक के जा चुके हैं, फिर मैं अभी यहाँ पे स्कूटी से हमारे भैया जो है वो मेरे को भी छोड़ के आएंगे सालबाड़ी के पास आप तक, है ना भैया? ओके। तो फिर अभी सालबाड़ी, वैसे आज दोस्तों सालबाड़ी का बाजार है, आज वेडनेसडे है ना, तो फिर वहाँ पे आप लोग को थोड़ा भीड़ देखने को मिलेगा, है ना। तो फिर अभी हम लोग सालबाड़ी से बस पकड़ेंगे, फिर भवानी पहुँचाएंगे दोस्तों। आप लोग इस साइड से देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा पेट्रोल का बाजार है, तो यहाँ पे सुपारी सुपारी की डीलिंग चल रही है यहाँ पे। तो फिर इस साइड से जाते जाते अभी सालबाड़ी के चौक तक पहुँच चुके हैं हम लोग। फिर आगे में देख सकते हो वहाँ पे नया स्टोर खुला है यहाँ पे दोस्तों, वैसे बोडो बाइकिंग के साथ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हेलमेट वगैरह कुछ भी आप लोग को मिल जाएगा। तो फिर यहाँ से देखो आप लोग सालबाड़ी में जा रहे हैं हम लोग, तो बस भी यहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहा है। तो फिर पता नहीं दादाजी कहाँ गए, दादाजी को ढूंढना पड़ेगा अभी। वैसे आ रहे क्या? अभी तक पहुँचे ही नहीं क्या दादाजी? हमारा दादाजी ने यहाँ पे टेम्पू ही बुक कर लिया है भवानीपुर के लिए, तो फिर अभी यहाँ से हम लोग भवानीपुर जाएंगे टेम्पू से, है ना। तो फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टेम्पू का राइड चल रहा है अभी हम लोग का दादाजी और मेरा। तो धीरे धीरे बने रहे वीडियो में, आज दादाजी का सवारी ढूंढ के लेके आना ही है ना दादाजी। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग भवानीपुर पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो है ना, ये भवानीपुर है, ये भवानीपुर का ये पुलिस पॉइंट चारियाल, यहाँ पे पुलिस लोग बैठे हुए हैं। फिर हम लोग अभी यहाँ से रास्ता क्रॉस करने वाले हैं, रास्ता क्रॉस करके वहाँ पे सामने सामने बस का वेट करने वाले हैं तो वहाँ जाने का, है ना। तो फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भवानीपुर का पुलिस पॉइंट, भवानीपुर का, है ना। तो फिर ये हमारे दादाजी, तो फिर यहाँ से बस आ रहा है, अरे भाई तो गाड़ी अभी हम लोग क्रॉस कर लेते हैं ना। तो वहाँ पे एक बस है दोस्तों, फिर वो शायद से सिमलागुड़ी तक तो जाएगा, तो उसी में चलते हैं, वरना फिर यहाँ पे तो हम लोग को बोडोलैंड वेट करना पड़ेगा। बोडोलैंड वेट करेंगे तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोएगा जा पाएंगे, है ना दोस्तों? यस, है ना दादाजी? तो अभी हम लोग क्या करें, उस बस से जाएंगे या बोडोलैंड का वेट करेंगे या उसी से चलते हैं? कोई भी बस से चले, तो फिर कोई भी बस से चले जाएंगे हम लोग अभी, तो बस हम लोग का बस पहुँचना है अभी। तो चलो दोस्तों हम लोग के साथ। दोस्तों अभी हम लोग बस के अंदर आ चुके हैं, फिर दादाजी हमारे आगे में बैठे हैं, तो फिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ। फिर अभी यहाँ इसी बस से हम लोग अभी सिमलागुड़ी तक पहुँचाएंगे, उसके बाद वहाँ पे बोडोलैंड का वेट करेंगे, फिर बोडोलैंड के बोडोलैंड अगर मिला तो फिर उसी में उठ के चले जाएंगे ना बॉय होटल। दोस्तों वैसे तो हम लोग को बोडोलैंड बस मिल गया था ना सिमलागुड़ी से, तो फिर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, फिर अभी जा
फाइनली दादाजी और मैं सपागुड़ी पहुंच चुके हैं बोंगाईगांव में। उसके बाद अभी हम लोग लोअर असम साइड में जाने वाले हैं जहाँ पे रॉयल एनफील्ड का शोरूम है ना दादाजी। यस, तो फिर आगे से यहाँ पे टेम्पू कर लेते हैं, टेम्पू या फिर बैटरी रिक्शा कर लेंगे। तो फिर जो हम लोग को कि हमारे रॉयल एनफील्ड के क्या बोलते हैं स्टोर तक लेके जाएगा शोरूम तक, फिर वहाँ से हम लोग दादाजी के पसंद का सवारी ढूंढने वाले वहाँ पे। वैसे दादाजी और मैं अभी बैटरी रिक्शा में बैठे हुए हैं, फिर हमारे साइड में यहाँ पे भाई एक है, फिर यहाँ पे भी एक भैया है, तो फिर हम लोग अभी लोअर असम के साइड में जा रहे हैं। तो फिर उसी साइड में अभी रॉयल एनफील्ड का शोरूम है ना भाई, आप तो यहीं के हो ना, तो फिर रॉयल एनफील्ड का शोरूम का हम लोग को जरा दिखा देना ओके प्लीज। तो हम लोग का भाई हम लोग को दिखा देगा रॉयल एनफील्ड का शोरूम कहाँ पे, तो फिर वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, फिर अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में दादाजी के लिए पसंद करके देंगे अभी बाइक कैसा। तो फिर हम लोग का बैटरी रिक्शा यहाँ पे चला रहे भैया। भाई आपका नाम क्या है वैसे? स्टोन। आपसे मिल के अच्छा लगा ब्रो। तो फिर आपका घर यहीं पे बोंगाईगांव में ही है तो बेंगटोल, आप बेंगटोल से यहाँ पे आए हो है ना शॉपिंग करने के लिए? तो काम हाँ, तो थोड़ा काम है भाई का, तो फिर वो यहीं पे आए हैं, तो फिर हम लोग भी अपने काम पे चलते हैं, तो फिर हमारा भाई भी अपने काम पे जाएगा, तो बने रहिए ओके। तो हमारे भैया हमको हमारे डेस्टिनेशन तक ला चुके हैं, तो थैंक यू भैया। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे घुसने वाले रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, फिर दादाजी यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, फिर हम लोग घुसते हैं ना दोस्तों। ओके ब्रो, दे बक्सा ब्रो, ओके सी यू सून ओके। तो अभी हम लोग दाएं बाएं देख के रास्ता क्रॉस कर लेते हैं ना, वहाँ पे खतरनाक होता है ना रास्ता वैसे। तो क्या देख रहे हो, तो इस साइड से गाड़ी आ रहे हैं, तो फिर जा ही सकते हैं, आ जाओ। तो फिर इस साइड भी थोड़ा स्लो कर देते हैं, फिर चलते हैं हम लोग। फिर ये रहा हम लोग का रॉयल एनफील्ड का शोरूम, तो फिर अभी हम एंट्री करने वाले, तो यहाँ पे आप लोग साइड में बाइक सब देख सकते हो ना। तो ये फिर हिमालयन, फिर ये हम लोग का इंटरसेप्टर, फिर वो हंटर होगा शायद से, फिर वो क्लासिक 350 और वो स्क्रैम 411 दोस्तों। तो फिर यहाँ पे अलग अलग कलर में हो जाएंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ना का बाइक। तो दोस्तों चलो एंट्री करते हैं ना, तो दादाजी आइए। तो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं, आओ आओ दादाजी। तो फिर दादाजी आपको कैसा बाइक चाहिए वैसे? एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड का कौन सा? क्लासिक 350। तो फिर आइए अभी यहाँ पे भैया से पूछते हैं, भैया रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 भी वैसे प्राइस कैसे चल रहा है? कौन सा भाई कलर? वैसे कलर कौन सा चाहिए दादाजी आपको? अभी देखता हूँ पहले। तो पहले देख लेते हैं ना भैया। तो दादाजी और मैं अभी यहाँ पे बाइक्स का कलर देखने वाले, तो दादाजी को कौन सा पसंद आता है? तो यहाँ पे हेलमेट्स वगैरह भी है, ये कलर भी अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, बहुत ही चमक रहा है। इस साइड में मीटियोर 350 है दादाजी, ये वाला ट्यूबलेस होगा। क्लासिक नहीं, मीटियोर सुपर मीटियोर 650 है, ये टॉप मॉडल है। तो फिर ये आपका अराउंड 4.18 में आ जाएगा दोस्तों है ना। फिर ये जो है ये 2.46 ऐसे में आ जाएगा, फिर ये शायद से 2.42 होगा। और वैसे दोस्तों ये टॉप है, लेकिन इसको बोला जाए तो इसका ट्यूबलेस नहीं है, चेंज करना पड़ेगा ना। एक्चुअली बोला जाए टॉप के साथ ट्यूबलेस देना ज़्यादा अच्छा रहता है ना। और यहाँ पे लेकिन ये सेकेंड टॉप है, लेकिन इसका ट्यूबलेस है दोस्तों, तो एक क्रोम के वजह से वैसे इसका ज़्यादा कलर प्राइस है। तो फिर यहाँ पे हमारे दादाजी जो है अभी कैटलॉग में कलर्स देख रहे हैं बाइक का कि कौन सा कलर अच्छा लगता है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इन लोग के शोरूम कैसा बना रखा है ना, अच्छा लग रहा है वैसे है ना। फिर यहाँ पे स्क्रैम 411 वैसे ये पता नहीं कितना में आ जाएगा, वैसे मैंने पूछा नहीं, थोड़ी देर बाद पूछ के आपको बता दूंगा ओके। आप देख सकते हो दादाजी का अभी कैटलॉग में कलर्स दिखाया जा रहे हैं ओके दोस्तों। तो धीरे धीरे बाद में आपको दिखाते हैं कि दादाजी को कौन सा सवारी अच्छा लगता है कलर ओके दोस्तों। हमारे दादाजी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज है कि कौन सा कलर लिया जाए, है ना दादाजी? आप कौन सा कलर सोच रहे हो अभी लेने का? तो दादाजी पहले देखेंगे एक बार है ना, तो बाहर निकाल के कि कैसा दिखता है बाहर में बाइक ओके दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी हम लोग का पेपर वर्क चल रहा है, फिर यहाँ पे दादाजी अपना कार्ड वगैरह ढूंढ रहे, जिससे एड्रेस और डिटेल्स चाहिए होंगे ना।
तो फिर अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि दादाजी को कौन सा कलर पसंद आया है, उसके बाद अभी हम कौन सा दादाजी का सवारी यहाँ से लेके जाने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सेलिब्रेशन भैया वो मिलने के लिए आए फिर से। नाइस सेलिब्रेशन भैया यहाँ पे, थैंक यू भैया आने के लिए। फिर हमारे यहाँ पे फिलोवाड़ा सन ऑफ पोर्टलैंड तो वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो फिर अभी यहाँ पे भैया लोग भी आए, उसके लिए अच्छा लगा बोले। तो अभी यहाँ से धीरे से अभी बाइक का डिलीवरी लेके जाने वाले हैं। वैसे तो अभी मैं बाइक आपको दिखाया नहीं, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। ओके, है ना भैया। तो यहाँ पे हमारे सन ऑफ पोर्टलैंड भैया भी आए हुए हैं, फिर थैंक यू भैया आने के लिए। उसके बाद यहाँ पे भैया यहाँ पे हैंडल देख रहे, शायद हैंडल आपके बाइक में लगाने वाले हो क्या? लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, वो हैंडल गार्ड नहीं लगा सकता इसमें। ओह, इसी के लिए प्रॉब्लम है। तो फिर तो शायद से दूसरा हैंडल देख लेंगे भैया। और यहाँ पे पेन ईयर पड़ा हुआ है तो रॉयल एनफील्ड का। तो भैया लोग यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। वैसे उसके बाद ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम जैसे है ना, मैं सोच रहा था वैसे टाइप का कुछ करने का है ना। तो फिर धीरे धीरे ये कौन स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं ना दोस्तों। तो बहुत दिन हो गया वैसे राइड में भी जाने को नहीं मिला, बाद में देखते हैं क्या होता है। ओके, स्टे ट्यून्ड दोस्तों, बाइक ऑलमोस्ट आने ही वाला है आप लोग के सामने, रिवील होने वाला है। ओके, थोड़ा और सबर रखिए जी। तो हमारे दादाजी का वाहन ये है, उनका सवारी। दोस्तों ये कलर कैसा लगा दादाजी? ठीक है ना? तो दादाजी को ये कलर पसंद आया है। तो भैया कैसा लगा कलर वैसे? ठीक है ना? ओके, तो फिर आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये मैट ग्रे कलर आप लोगों को कैसा लगा, इंजन में ब्लैक है। और दोस्तों इसका एलॉय व्हील है ऊपर से। दोस्तों इसका ट्यूबलेस से बोला जाए तो पंचर हो गया तब भी आप लोग चला के लेके जा सकते हो ना पास के गैरेज तक। तो इसमें धक्का मारने का जरूरत नहीं है, है ना भैया? थैंक यू भैया। ओके, तो फिर दोस्तों कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ओ वैसे हमारे फिलो भैया कहाँ गए? ओ उस साइड में गए हैं। ओ तो फिलो भैया का रिंग आगे का मतलब बैंड हो गया है, तो फिर उसी का थोड़ा बात करने गए, आने के बाद मैं आप लोग को दिखा दूंगा। ओके, तो फिर दोस्तों हमारे फिलो भैया यहाँ पे सेलिब्रेशन भैया है, उसके उन लोग को अलविदा कहने का टाइम आ गया। दोस्तों अलविदा कहने का मन नहीं है, वैसे तो कहना तो पड़ेगा। तो वैसे दोस्तों तब तक रुकिए, मैं एक फोटो ले लेता हूँ ना भैया लोग के साथ। तो भैया लोग को बाय बाय बोल दे यहाँ पे, अभी हम लोग जाने वाले। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट राइड में भैया लोग के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून दोस्तों, टेक केयर, और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और वैसे अभी दादाजी का बाइक मेरे को स्टार्ट करने के लिए बोला गया, तो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।